प्रदेश कांग्रेस ने 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। जी हां, पिछले विधानसभा चुनाव में जीतने के बावजूद सत्ता से हाथ धोने वाली कांग्रेस पार्टी अपनी स्ट्रेटेजी पे अभी से काम शुरू कर चुकी है। कांग्रेस ने प्रदेश के 45 जिलों में नए प्रभारियों की नियुक्ति की है, जिससे संगठन को मजबूती मिल सके और चुनावी तैयारी में किसी प्रकार की कोई कमी ना आ सके। इससे ये बात तो साफ है कि चुनावी दौर में अव्वल आने का ख्वाब देखने वाली कांग्रेस आने वाले 2023 के चुनाव में जरा भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। भोपाल का प्रभारी लखन घनघोरिया, इंदौर की विजय लक्ष्मी साधो, ग्वालियर से अविनाश भार्गव और जबलपुर की हीना कावरे को बनाया है। इसी तरह अन्य जिलों के प्रभारी भी बनाए गए हैं। हालांकि हर बार की तरह नियुक्तियों को लेकर कांग्रेस पार्टी में उथल पुथल मचाने की प्रथा को प्रभारी नियुक्ति में भी आगे बढ़ाते हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने अपनी नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि उनसे किसी नियुक्ति के बारे में कोई राय नहीं ली गई। नई नियुक्ति में होशंगाबाद का प्रभार सुनील जायसवाल को, हरदा का निलय डागा को, रायसेन का देवेंद्र पटेल को, राजगढ़ का राजकुमार पटेल को, सीहोर का रामवीर सिंह शिकरवार को, विदिशा का सुनील सूद को, उज्जैन का बाला बच्चन को, मुरैना का रामसेवक गुर्जर को, श्योपुर का अशोक सिंह को, छतरपुर का नारायण प्रजापति को, सतना का तरुण भनौत को, जबलपुर ग्रामीण का कमलेश्वर पटेल को और कटनी का अजय टंडन को सौंपा गया है। जहां पूरे प्रदेश में कोरोना महामारी फैली हुई, नगरीय निकाय चुनाव टलते जा रहे हैं, वहां कांग्रेस अभी भी विधानसभा चुनाव में अपनी जगह बनाने में लग गई है। क्या कांग्रेस पार्टी को नगरीय निकाय चुनाव में हारने की कोई चिंता नहीं, या उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने का कुछ ज्यादा ही जुनून है?